हम लोग सब सोच रहा है कैसा एक चाय वाला ने पूरा इंडिया को बर्बाद किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। कानपुर से निकली चिंगारी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, हाथरस, अंबेडकर नगर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और इसके अलावा दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, रांची तक पहुंच गया है। लेकिन अगर मैं जो अपडेट आ रही है उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि रांची में इंटरनेट बंद है, धारा 144 लागू कर दी गई है और यहां पर 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि हावड़ा के, यानी कि बंगाल में हावड़ा के उलबेरिया में धारा 144 लागू कर दिया गया है। 13 जून तक इंटरनेट वहां पर बंद है। 70 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 229 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर से 48 लोगों को, प्रयागराज से 68 लोगों को, हाथरस से 50, मुरादाबाद 25, फिरोजाबाद 8, अंबेडकर नगर 28 लोगों को। और यही कहा जा रहा है कि सभी शहरों में हाई अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। इसके बाद जो दिल्ली के जामा मस्जिद में जो प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वहां पर भी बताया जा रहा है कि जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर उनको महामारी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज करना शुरू कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो सब्र का पैमाना था वो कहीं ना कहीं छलक गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देश भर में जो मुस्लिमों का जो जन सैलाब उमड़ा हुआ था वो आप सभी देख रहे हैं, वो केवल पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी पर ही नहीं, जो सालों से उनके साथ हो रहा है उसका गम, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं अब दिख रहा है। और कहा जा रहा है कि खासकर इन 7 से 8 सालों में जो हिंसा उत्पीड़न जो झेल रहे हैं एक समुदाय के लोग, वो कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं भी अब दिख रही है। चाहे वो गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो, धर्म संसद पर जो नरसंहार का ऐलान कर दिया जाता है, सीए, हिजाब, अजान, लव जिहाद और ना जाने क्या क्या, इस्लाम को मानने वालों के सबसे अजीज और प्यारे मोहम्मद साहब पर जिस तरीके की विवादित टिप्पणी की जाती है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा, उसको लेकर जो अब मुस्लिमों का जो सब्र का पैमाना है वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि इस्लाम में कहा जाता है कि अल्लाह से दीवानगी मंजूर है लेकिन अल्लाह के रसूल से दीवानगी बिल्कुल नहीं, और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने वही किया। जो मुस्लिम देश हैं वो किस तरीके से अब भारत के जो उत्पाद है उनका बायकॉट करते हुए नजर आ रहे हो, जिस तरीके से भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है उसको लेकर आखिर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी क्यों लगाए बैठे हैं। यहां तक कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अब जवाब मांग रही हैं उनसे, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते। और जिस तरीके से टीवी डिबेट से ये मामला शुरू होता है, देश से लेकर दुनिया तक के स्तर पर ये मामला उठ गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत से जिस तरीके से भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है और जिस तरीके से बीजेपी ने सोचा था कि ये मामला हम लोकल स्तर तक सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जो ये मामला है जब इस्लामी देशों तक पहुंचा तब जाकर बीजेपी सरकार के कहीं ना कहीं कान खड़े हुए, क्योंकि इन तमाम देशों ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार भी किया। दुख की बात यह भी है कि जो वहां पर भारतीय जो कामगार थे उनको बेदखल करने की बात भी कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो देख सकते हैं यहाँ आपकी, किस तरीके से जो पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की गई है उसको लेकर अगर ये पहले ही मामला सुलझा लिया होता, पहले ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर अगर कार्रवाई की जाती तो शायद ये सब झेलना नहीं पड़ता। जहां जिक्र होना था अर्थव्यवस्था का वहां जिक्र होता है हिंदू मुस्लिम का, जहां जिक्र होना था हमारे युवाओं का वहां जिक्र होता है 20 करोड़ मुस्लिमों का, जिक्र होता है हिंदू मुस्लिम के टकराव का जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है।
देख लीजिए ना, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो किस तरीके से कब्रिस्तान जोर से ऐसा बटन दबाना कि करंट लगे शाहीन बाग, इस तरीके की जो नारेबाजी की जाती है वो किस हद तक सही है, ये भी देखना मामली है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर जो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से पत्थरबाजी होती है, फायरिंग होती है, युवा दिखते हुए नजर आते हैं, युवाओं भी दिखते हुए नजर आते हैं उन सब चीजों में, अगर वीडियो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरोप भी लग रहा है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, और ये भी आरोप लग रहा है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पत्थरबाजी और जिस तरीके से बमबारी की गई, तो ऐसे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब कहा जा रहा है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, खुद असुद्दीन ओवैसी इस बात को बोलते हुए नजर आते हैं, वो खुद ही बयान देते हैं कि अब उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो AIMIM के प्रवक्ता है इम्तियाज जलील, वो खुद भी कहते हैं कि अब नुपुर शर्मा को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो टिप्पणी करते हुए नजर आती है, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम देश है वो जिस तरीके से भारत के साथ स्ट्रिक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस मसले पर बिल्कुल भी बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर ये जो डिबेट करवाई जाती है, कहीं ना कहीं ये भी एक जड़ है कि जिस तरीके से जो देश भर में अशांति फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। और यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम की तरफ से भी कहा गया है कि ऐसी डिबेटों में जाने से बचें, ऐसी डिबेट में नहीं जाना चाहिए जहाँ हिंदू मुस्लिम किया जाए। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो यही कही जा रही है। और इसके अलावा जो भी कुछ देश में हो रहा है, ना वो देश के लिए, ना वो समाज के लिए, ना ही वो आवाम के लिए अच्छा है। इसलिए हिंदू मुस्लिम पर होने वाली डिबेट से बचें। फिलहाल इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है, क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होती है, या फिर बीजेपी सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ताजा तरीन खबरों के लिए और जो भी इस खबर पर अपडेट होगी इसके लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।